संसार का नियंत्रण नारायण से नहीं मुझसे होगा। अब संसार का ईश्वर नारायण नहीं हिरण्यकश्यप है। आज से नारायण का जयघोष नहीं होगा, कल सूर्योदय होने तक, मेरे भाई की चिता ठंडी होने तक सारे संसार को बता दो कि उनका भगवान हिरण्यकश्यप है। अब वर और वधु पग फेरे के लिए खड़े हो जाएं। मेरे भाई के हत्यारे नारायण सुन लो, कुछ क्षण के लिए और अपने भगवान होने का आनंद उठा लो, क्योंकि कल से संसार को नया भगवान मिलेगा, हिरण्यकश्यप। विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। ऐसे ही सुदर्शन को लेकर भगवान बने बैठे हैं ना नारायण। लो, अब मेरे पास भी ये चक्र है, अब मैं भी हूँ इस संसार का भगवान। क्षमा करें प्रभु, किंतु केवल नारायण जैसे सुदर्शन चक्र होने से ये संसार आपको ईश्वर नहीं मानेगा। मूर्ख कहीं का। अब तो मानेगा। गुरुदेव, कहा था ना मैंने आपसे, आज का सूर्य असुर कुल के प्रकाश का प्रतीक होगा। इस संसार को उसका नया भगवान मिल चुका है। अधर्म की स्थापना के साथ साथ इस नए भगवान की मूर्ति की स्थापना भी होनी चाहिए। पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब से संसार केवल मेरी पूजा करेगा, किसी और भगवान को भजने वाले का अंत होगा। बस,
हिरण्यकश्यप के इस दुस्साहस का दंड उसे देना होगा। इसने हमसे हमारा वर्तमान छीना और हम इससे इसका भविष्य छीन लेंगे। भविष्य को बचाने के लिए हमें इसका अंत करना होगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी और इसके गर्भ में पल रहे पापी को भी मारना होगा। हमारी समस्या का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, हमारी सहायता कीजिए। मैं दुखियारी, मैं बेचारी, मैं अबला नारी आपकी शरण में आई हूँ भगवान। एक आप ही हैं जो मेरे पति को समझा सकते हैं। समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं, समझाने की आवश्यकता इन्हें है। आप इन्हें समझाइए प्रभु। कैसे, क्या समझाएंगे? समझाना आता भी है आपको? कभी कुछ बोला भी है, कभी मुंह से कुछ निकाला भी है? हमेशा समझाता हूँ आपको। मेरी बात सुनते नहीं है। मैं मेरे जाना चाहती हूँ तो कभी इतनी बार बोला मेरे लेके चलो। चुप रहती हूँ तो समझता ही नहीं है। बंद करो ये विवाद, जाओ मेरी सभा से। बोलिए। किंतु हम तो बहुत आस लेकर आए थे भगवान। कृपा करें, यदि आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बात को बिना घुमाए सीधे सीधे बताओ, समस्या क्या है तुम्हारी? मैं समझाता हूँ। ये मेरी पत्नी है और ये मेरे मौन को समझती ही नहीं है। यदि ये कहती है मुझे मेले में ले जाओ तो मैं मौन रहता हूँ और मैं व्यस्तता के कारण इन्हें उत्तर नहीं देता, तो इन्हें लगता है कि मैं इनको मेले में ले ही नहीं जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इनको मेले में लेकर अवश्य जाऊंगा, किंतु ये अरे अरे लांछन पे लांछन, लांछन पे लांछन। यदि स्थिति और संवाद उचित ना हो तो अर्थ अनुचित ही होते है ना। क्यों, उचित भी तो हो सकता है ना। कैसे उचित हो सकते हैं? ना मुंह से कुछ फूटता है, ना कुछ बोलते हो, ना समझते हो, तो मैं कैसे समझूं? आप ही बताइए भगवान, यदि ये कुछ बोलेंगे नहीं तो मैं समझूंगी कैसे? मैं समझाता हूं, कुछ क्षण दीजिए मुझे। मान लीजिए भगवान, आपको किसी ने पत्र भेजा, लीजिए, और इस पत्र में कुछ नहीं लिखा, तो इसका अर्थ आप क्या समझेंगे? कि ये मित्रता का पत्र है क्या, शत्रुता का? जिस विषय का कोई प्रमाण अब तक सिद्ध नहीं हुआ है उसे उचित या अनुचित कैसे सिद्ध कर सकते हैं? यही तो मैंने समझाना चाहता हूँ कि हमेशा अच्छे की आस रखो, ना बुरा सोचो और ना ही बुरे की आस रखो। उचित कह रहा है तुम्हारा पति। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से और सदैव स्मरण रखना, जीवन में यदि विचार करने ही है तो अच्छे विचार कीजिए जिससे भविष्य का जीवन सुखकर हो सकता है, और सोचना ही है तो उचित और अच्छा सोचो। मिल गया समस्या का समाधान, अब यदि प्राण प्यारे हैं तो जाओ यहां से। चले देवी, चलिए। हिरण्यकश्यप की जय। आशा के साथ जिए। यदि शनि देव की कुंडली भी ऐसी ही थी तो ये भी उन्हीं के भांति बलवान होगा। ऐसे संयोग शक्तिशालियों के साथ ही होते हैं गुरुदेव।
गुरुदेव, यदि आपकी गणना कहती है कि ये 7 वर्षों बाद बोलेगा तो यही सही। मैं 7 वर्षों तक इसके भाग्य और व्यक्तित्व के लिए प्रतीक्षा करूंगा। किंतु 7 वर्ष पश्चात क्या होगा? अधर्म की धरती पर पाप की धूप और असत्य के जल से सिंचित प्रहलाद कब तक अछूता रह पाएगा? कैसे होगा वो अपने अधर्मी पिता का विरोधी? ये तो सत्य है देवी कि लालन पालन का प्रभाव व्यक्तित्व पर अवश्य पड़ता है, किंतु प्रहलाद पर इसका क्या प्रभाव होगा यह समझने के लिए हमें 7 वर्षों की और प्रतीक्षा करनी होगी। अब 7 वर्षों बाद ये सभा फिर सजेगी और इसी स्थान पर होगे तुम, तब ये सभा सुनेगी, समस्त संसार सुनेगा कि मेरे पुत्र के मुख से निकले पहले शब्द होंगे भगवान हिरण्यकश्यप की जय।